बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने किसानों को दिए जा रहे अमानक बीज को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बीज कंपनियां सरकार की मिलीभगत से जमकर भ्रष्टाचार कर रही है। बीज कंपनियों ने सबको कमीशन बांटा है, मंत्री से लेकर संतरी तक सबको कमीशन बांटा है, जिसकी शिकायत ईओडब्ल्यू से की गई। वहीं जीतू पटवारी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कृषि मंत्री एंदल सिंह कंसाना ने कहा है कि कांग्रेस सिर्फ आरोप ना लगाए, सबूत दे तो मामले की जांच करवाई जाएगी। सबसे पहले प्रथम कड़ी होती है सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी, जो 15 साल से सब एक जैसे जमे हुए, एक जैसे, उनको 10% कमीशन इस पूरी कहानी पे मिलता है। फिर एमडी को जाएगा 5%, बड़ा अधिकारी है पूरे प्रदेश से आता है, उसको जाएगा 5%, फिर मंत्री जी को जाएगा 25%। जितने बीज कंपनियों ने बीज बेचा उनकी सारी इनकम टैक्स की लिस्टिंग में है, आवक जावक की लिस्टिंग में है। जिस कंपनी ने जितना बीज बेचा 25% कमीशन है उस पर इस सरकार का 25%। फिर अन्य बाकी 10% बताए तो 40 ही हुआ, मैं 50% कर रहा हूँ। तो जो छोटे मोटे कर्मचारी होते हैं चपरासी से लेके ऊपर तक, उसको 10% बचता है। मतलब उस किसान ने जिसने 4,000 रुपये कुंटल का सोयाबीन था वो सीधा आपने बेच दिया 10,000 से 20,000 रुपये कुंटल, मतलब 6,000 से लेके 16,000 रुपये उससे कमाए, और उसका 50% ऐसा बंदरबांट होता है। ये है हमारी सरकार 3C की। जीतू पटवारी जी ने, उनके पास अगर कोई ठोस आधार है, अगर कोई ठोस सबूत है, मुझे आप लिख के दें, अपने लेटर पैड पर लिख के दें वो लेटर हेड पर, और मैं उसकी जांच कराऊंगा और जो दोषी अधिकारी होगा उसकी हम कार्रवाई करेंगे। तो सुना आपने जीतू पटवारी का क्या कहना था और मंत्री का क्या कहना था। मंत्री का ये कहना था कि जो भी जीतू पटवारी के पास सबूत है वो हमें दें, उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। बीज कंपनियों ने सबको कमीशन क्योंकि बांटा है, ये जीतू पटवारी का कहना है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मामले की ईओडब्ल्यू से शिकायत भी की गई है। कृषि मंत्री ने पटवारी को इस पर जवाब भी दिया, वो जवाब हमने आपको सुनाया भी। उन्होंने कहा कि सबूत दे जीतू पटवारी, किसानों को नकली बीज देने का जीतू पटवारी ने जो आरोप लगाया है उस पर कृषि मंत्री का भी पलटवार आया है। जीतू पटवारी ने कहा कि मंत्रियों को कमीशन दिया जा रहा है, मंत्री से लेकर संतरी तक सबको कमीशन मिल रहा है, और अब इसी पूरे मामले पर पलटवार भी सामने आ चुका है। जीतू पटवारी के तमाम जो आरोप हैं उन पर कृषि मंत्री का बयान आया और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ है तो जरूर जीतू पटवारी हमें सबूत दे, हम उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। मामला भोपाल से जुड़ा और इस मामले में अब सबूत की बात की जा रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने किसानों को दिए जा रहे अमानक बीज को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा और कमीशन खोरी का आरोप लगाया है। वासु चौरे हमारे संवाददाता जुड़ेंगे जो जानकारी साझा करेंगे। इस बीच आपको हमने सुनाया वो आरोप और पलटवार भी। वासु चौरे संवाददाता साथ जुड़ चुके हैं। वासु, आरोप और प्रत्यारोप का दौर यहां पर बीज मामले में देखा जा रहा है। सीधे तौर पर मंत्री ने यह कहा है कि जीतू पटवारी हमें सबूत दे, हम उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। निश्चित तौर पर देखिए, बीज खाद मध्य प्रदेश में एक सियासत का बड़ा मुद्दा हमेशा से बन जाता है, क्योंकि जब भी बुवाई का टाइम आता है, फसलों की बुवाई का टाइम आता है, कई जगहों से इस तरीके की खबरें सामने आने लगती हैं कि बीज और खाद की उपलब्धता नहीं हो, और उसके बाद जो विपक्ष है वो सरकार पर हमलावर हो जाता है। कुछ उस तरीके की जो स्थितियाँ हैं वो एक बार फिर से बनी हैं, और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने जो तमाम सारे आरोप लगाए हैं, अब उस सरकार ने भी उनका जवाब दिया है कि अगर कहीं कमीशन खोरी हो रही है, कहीं कभी जैसी कोई बात है तो उसके सबूत पेश किए जाएँ और
जो भी कांग्रेस के आरोप हैं, अगर उनमें कोई भी तथ्यात्मक चीजें हैं और वो अगर सामने आती हैं तो हमारे ओर से जरूर कार्रवाई करने की काम जो है वो किया जाएगा। लेकिन सरकार अपने स्तर पर ये सुनिश्चित कर रही है कि तमाम किसानों को चाहे बीज हो, चाहे खाद हो, या फिर किसानी से जुड़ी हुई अन्य जो सुविधाएं हैं वो समय पर उपलब्ध हों और बिना किसी कमीशन खोरी के उपलब्ध हों। हालांकि सरकार के अपनी जगह दावे हैं, विपक्ष के अपनी जगह आरोप हैं, लेकिन इस सबके बीच जो किसान है, अन्नदाता है, वो कई चीजों से परेशान जरूर होते हैं और यही वजह है कि ये तमाम सारे जो मुद्दे हैं वो तूल पकड़ते हुए नजर आते हैं। जी ठीक है वासु, बने रहिए। अजय यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से और मिथुन अहिरवार जी भी हमारे साथ है कांग्रेस से। सबसे पहले तो मिथुन जी, कृषि मंत्री का ये कहना है कि अगर जीतू पटवारी के पास इस मामले में कोई सबूत है तो हमें दें, हम आगे कार्रवाई करेंगे। क्या इस बात को एक्सेप्ट करेगी कांग्रेस? देखिए, हम ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुके हैं और इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग को 16 अक्टूबर 2023 को ये सारी शिकायतें सारे प्रमाणों के साथ, सारे सबूतों के साथ दिए जा चुके हैं। अब ये भाजपा की सरकार के अंदर आता है कि नहीं, ईओडब्ल्यू में यदि हमने शिकायत कर दी है तो वहां से वे प्रमाण देख लें और लिख करके दें कि क्या ये प्रमाण गलत है। 16 अक्टूबर 2023 से आज तक 2024 आ चुका है, आज तक अगर सरकार की ओर से ये नहीं कहा गया है कि प्रमाण गलत है या सही है या इस पर कोई कार्रवाई हो रही है तो हमें आपके माध्यम से दावा को उठाना पड़ेगा। लगातार मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की गंगा भारतीय जनता पार्टी द्वारा बहाई जा रही है और इसमें अधिकारी और नेता सब लोग लिप्त, सब इसमें अपने हाथ धो रहे हैं, लेकिन किसान को केवल आत्महत्या करने को मिल रहा है, उसका केवल शोषण हो रहा है, उससे जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हो रहे, सबकी जिम्मेदार राज्य सरकार है। मिथुन जी ठीक है, इस पर एक रिएक्शन में अजय जी से भी ले लेती हूँ। अजय यादव जी, इस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये सीधे तौर पर कहना है कांग्रेस पार्टी का कि बीज मामले में हर तरफ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, हर तरफ कमीशन खोरी चल रही है, ये बहुत बड़ा आरोप सरकार पर लगाया जा रहा है। देखिए, जीतू पटवारी जी द्वारा गैर जिम्मेदारी पूर्ण वक्तव्य दिया गया और इस तरह के महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए व्यक्ति को ऐसी बात नहीं करना चाहिए। मध्य प्रदेश में किसानों को जो भी बीज दिया जाता है वो मानक स्तर का होता है, ग्रेडिंग के उपरांत बीजों के दाम तय होते हैं और नेशनल सीड सर्टिफिकेशन जो कि भारत सरकार की संस्थान है उसके द्वारा सर्टिफिकेशन देने के बाद ही किसानों को बीज दिया जाता है। कृषि विभाग द्वारा किसानों को मुफ्त बीज दिया जाता है, 4600 सहकारी समितियों में 50 लाख किसानों को बीज मिलता है और इसी बीज के माध्यम से मध्य प्रदेश में लगातार पैदावार भी बढ़ रही है और साथ ही किसानी का रकबा भी बढ़ रहा है, जो कि प्रमाणित है कि खाद और बीज पूरी तरह से मानक स्तर के मिल रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के नेता गैर जिम्मेदारीपूर्ण बात, आप कहते हैं हमने ईओडब्ल्यू में शिकायत की, क्या प्रमाण है आपके पास? 10% कमीशन किसको मिलता है, 20% किसको मिलता है, 25% मंत्री को मिलता है कोई प्रमाण आपके पास? ऐसे झूठे आरोप लगाते हो, इसीलिए कांग्रेस पार्टी की ये गतें हो गई हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी को प्रदेश की जनता ने पूरी तरह नकार दिया है, क्योंकि ये झूठ बोलने वाली, नॉनसेंस क्रिएट करने वाली पार्टी बन के रह गई है, जिसके अध्यक्ष को अपने पद की गरिमा का ध्यान नहीं है कि कोई भी बात करते हैं प्रदेश के किसानों में झूठ फैलाते हैं, इसीलिए किसान इन्हें पहचानते हैं और लगातार हाशिए पर डाल रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बात रखने के लिए। वास्तु आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो पूरा मामला बीज कंपनी से जुड़ा जहां सरकार पर कमीशन खोरी का आरोप लगाया, हालांकि देखना होगा कि इस मामले में और भी कितने आरोप लगते हैं आगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बैतूल की, जहां जिला अस्पताल में प्रसव के बाद महिला की मौत हो गई है। कल शाम को ही महिला की नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, तबीयत बिगड़ने के बाद इलाज शुरू हुआ था, कुछ देर बाद महिला की मौत हो गई। अस्पताल प्रबंधन पर गलत इलाज का आरोप लगा है और मौके पर पहुंचे डिप्टी कलेक्टर और सिविल सर्जन, मामले की जांच चल रही है। बैतूल का यह मामला, अस्पताल में प्रसव के बाद महिला की मौत हो गई, कल शाम ही महिला की नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, तबीयत बिगड़ी और फिर इलाज शुरू किया गया, लेकिन कुछ ही देर बाद महिला ने दम तोड़ दिया। अस्पताल प्रबंधन पर गलत तरीके से इलाज का आरोप परिजन लगा रहे हैं, गुस्से में हैं, आक्रोश में हैं। हालांकि इस पूरे मामले की जांच जारी है। रात्रि को बैतूल बाजार की श्रीमती पूनम पवार यहां पर डिलीवरी के लिए आई थी, रात को डिलीवरी हुई है और उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है, उस पर परिवार वाले भी यहाँ हैं। तो मृत्यु किन कारणों से हुई है, परिवार वालों का ये ऐसा कहना है कि डिलीवरी सामान्य अवस्था में हुई है और फिर मृत्यु हो गई है,
कुछ दवाइयाँ इंजेक्शन लगाने का परिवारजन बोल रहे हैं, उस संबंध में परिवारजन के बयान लिए जा रहे हैं और जो भी उसमें जांच की जा रही है, जांच में जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई। लग रहा है रिशु नायडू संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। रिशु, क्या जानकारी मिल रही है इस मामले में, क्या कोई कार्रवाई की गई क्या? जी देखिए, जो अपर कलेक्टर हैं वो जिला अस्पताल पहुंचे थे, उन्होंने पूरे मामले की जानकारी ली है और जो सिविल सर्जन हैं जिला अस्पताल के, उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि पूरे जो भी महिला का जिस तरह से भी ट्रीटमेंट किया गया था, जो मेडिसिन उन्हें दिए गए थे, पूरी वो कंप्लीट जांच करें और जांच रिपोर्ट प्रशासन को दें और इसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि परिजन लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि महिला को कोई गलत इंजेक्शन दिया गया जिसके कारण उसकी मौत हुई, जबकि अस्पताल प्रबंधन का ये कहना है कि डिलीवरी के बाद कई बार इस तरह के हालात बनते हैं कि महिलाओं की हालत क्रिटिकल हो जाती है, जो आफ्टर डिलीवरी, उसकी अब पूरी जांच होगी कंप्लीट और सीएस खुद इस मामले में जांच करवा के रिपोर्ट प्रशासन को सौंपेंगे, उसके बाद ही ये कहा जा सकेगा कि इस मामले में कोई लापरवाही हुई है या फिर ये महिला की हालत ज्यादा बिगड़ने के कारण मौत हुई है। बहुत शुक्रिया रिशु जानकारी साझा करने के लिए। और अब खबर इंदौर से, जहां ज्वेलर्स बना हनी ट्रैप का शिकार, ज्वेलरी वाला हनी ट्रैप का शिकार बना है। झूठे रेप केस में फंसाने की साजिश का खुलासा हो चुका है। 70 ग्राम सोना, घर, कार, मोबाइल तक हड़प लिया। शिकायत पर लसूड़िया पुलिस ने 3 पर केस दर्ज किया है। इंदौर का ये मामला बताया जा रहा है, जहां ज्वेलरी शॉप पर बैठने वाला जो मालिक है वो हनी ट्रैप का शिकार बना और इस झूठे रेप केस में फंसने के डर से उसने 70 ग्राम सोना, घर, कार, मोबाइल सब दे दिया। बेंगलुरु के कोरमंगला पीजी हत्याकांड मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की गिरफ्तारी भोपाल से की गई है। आरोपी ने मंगलवार को बेंगलुरु के कोरमंगला में एक पीजी में घुसकर एक 22 साल की लड़की की गला काटकर हत्या कर दी थी। इस घटना का एक सीसीटीवी भी सामने आया था, जिसमें आरोपी पीजी में घुसते और दरवाजा खटखटाते हुए दिखाई भी दिया। इसके बाद लड़की के बाहर आने पर आरोपी ने उसका गला काट दिया। ये वही आरोपी है, भोपाल से आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। बेंगलुरु में ये पूरा हादसा हुआ और आप देख सकते हैं कैसे जब लड़की दरवाजा खोलकर बाहर आती है, उसी वक्त आरोपी उसे जख्मी कर देता है, उसे मौत के घाट उतार देता है। कई बार उसने उसके गले पर वार किया और लड़की की मौत हो गई। देवास में डायरिया से बिगड़ते हालात के बीच स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। डायरिया के आउटब्रेक के लिए राज्य स्तरीय स्वास्थ्य विभाग की टीम कर्नावत पहुंची है, जहां सैंपल इकट्ठे किए जा रहे हैं, तो वहीं ग्रामीणों को मेडिकल सलाह दी जा रही है। डायरिया बीमारी पर कैसे रोक लगे, इसके लिए टीम लगातार गांव में काम कर रही है। गांव में सैंपल लेने पहुंची टीम रखी है, पानी की उनका रीजन हो सकता है, क्योंकि अभी तो पानी है नहीं, उसमें साफ पानी है, पर हो सकता है कि उनकी वजह से ये बीमारी फैली हो और हो सकता है कि दूसरा कोई कारण हो। तो सभी प्रकार के सैंपल हमारे मेडिकल कॉलेज की टीम ने ले लिए हैं, ब्लड के, उसके और वाटर के, ताकि आगे जो भी इसमें फर्दर कॉज होगा वो डायग्नोस किया जाएगा। और अब खबर इंदौर की। हंगामा करने वालों पर एफआईआर दर्ज करने की बात सामने आई है। निगम की कार्रवाई के दौरान जिन भी लोगों ने हंगामा किया था उन पर कार्रवाई की गई है। पत्थरबाजी करने वालों पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। पोकलेन मशीन पर तोड़फोड़ की गई थी, तोड़फोड़ का वीडियो भी सामने आया था। दरअसल यहां पर अवैध तरीके से जो मकान बनाए गए थे उनको निगम की टीम ने ध्वस्त कर दिया है। लगभग 35 ऐसे मकान हैं जिन पर कार्रवाई की जा रही थी और इस दौरान कई महिलाएं आकर सामने खड़ी हो गई, वो विरोध करने लगी कि ये कार्रवाई ना हो और कुछ लोगों ने तो पत्थरबाजी भी की है। इसके अलावा मशीनों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, ऐसे लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है।
बैतूल जिले के सैकड़ों सरकारी स्कूल भवन बदहाल हो चुके हैं। आलम तो यह है कि छोटे छोटे बच्चे गीले फर्श पर बैठकर पढ़ रहे हैं, वहीं शिक्षक भी तरह तरह के जुगाड़ करके छतों से टपकते पानी को रोकने की जुगत में लगे रहते हैं। जिले भर के एक दो नहीं बल्कि 400 से भी ज्यादा ऐसे सरकारी स्कूल हैं, ऐसे जिनकी सूरत इसी तरह है, इनका हाल इसी तरह है। कई स्कूल भवन तो गिरने की कगार पर है, जिससे कि स्कूली बच्चों की जान पर खतरा बना हुआ है। शिक्षा विभाग के एक सर्वे के अनुसार केवल बैतूल जिले में ही 400 से ज्यादा जर्जर सरकारी स्कूल भवन है। यह आंकड़ा सरकारी है और काफी संभावनाएं हैं कि सरकारी और जर्जर स्कूल भवनों की संख्या इससे कई ज्यादा हो। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इन भवनों की मरम्मत के लिए बजट की मांग भेजी गई है। शहर के बीच ये स्कूल स्थित है, लेकिन उसके बाद आप इधर के हालात देखिए। इस स्कूल में 3 कमरे हैं जिनमें 5 कक्षाएं संचालित हो रही है। ये है पहला कक्ष, ऊपर पन्नियां बंधी हुई है क्योंकि पूरी की पूरी छत, यहाँ पर छत से पानी टपक रहा है लगातार, लगभग 10 से 15 दिन हो गए यही स्थिति बनी हुई है। पन्नियों में पानी भर जाता है और कहीं से पन्नी अगर फट जाए तो पानी ज़मीन पर आ जाता है। ज़मीन पर लगातार यहाँ पानी टपक रहा है और चारों तरफ आप देखिए पूरा कमरा किस तरह से पानी से भरा हुआ है, पूरा फर्श गीला है। इस पूरे भवन का इस्तेमाल ही नहीं हो पा रहा है। यहाँ जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, देखिए जितना हिस्सा कमरे का सूखा हुआ है उसमें केवल 6-7 बच्चों को बैठा पाते हैं और उन्हीं को पढ़ा पाते हैं। पूरा यहाँ पर पानी यहाँ पर लगातार टपक रहा है। अब इसी तरह जो है हम यहाँ के दूसरे कक्ष में लेकर चलते हैं आपको, वहाँ पर भी अमूमन यही स्थिति है। ये है दूसरा कक्ष, देखिए यहाँ पर भी ऊपर पन्नी इसलिए बांधी गई है क्योंकि छत से पानी लगातार टपक रहा है। नीचे जो है एक चटाई बिछाकर बच्चों को किसी तरह बैठाया गया है। फर्नीचर की कोई व्यवस्था यहाँ पर बच्चों के बैठने के लिए नहीं है। ये चटाई भी जब गीली हो जाती है तो बच्चों का यूनिफॉर्म गीला होता है, बुक्स गीली होती हैं, जो शिक्षकों के लिए स्टेशनरी वहाँ टेबल पर रखा हुआ है वो गीला हो जाता है, अलमारियाँ जो हैं लकड़ी की वो सड़ रही हैं। इस तरह के हालात यहाँ पर स्कूल में बने हुए हैं। तीसरे कक्ष की भी लगभग यही हालत है, उसे अलग से दिखाने की ज़रूरत नहीं, सभी कक्षों की यही हालत है। सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ें सब बढ़ें जैसे जो स्लोगन्स हैं वो पोस्टर बैनरों में बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, लेकिन बच्चे किन हालात में पढ़ रहे हैं इसकी हकीकत हमने आपको दिखाई है। ये बारिश में ही ख़राब रहती है इस स्कूल की, गर्मी में तो ठीक रहता है लेकिन बारिश में बहुत ज़्यादा टपकता है, छत वगैरह बहुत टपकती है। अभी कैसे पढ़ा पा रहे हैं बच्चे? अभी ये है कि 3 कमरे हैं, 3 कमरों में से सिर्फ ये एक ये वाला कमरा है जो क्या बोलते हैं अपना गीला है पूरा, आपने देखा ही है, और इसमें से 50% भाग जो है बचा हुआ। पहले उस तरफ बच्चे बैठते थे, अब उधर गीला हो रहा है तो हम लोग उधर बैठते हैं। 5 बार पानी, जैसे ज़्यादा बारिश होएगी तो 4-5 बार हटाना पड़ता है, और इस रूम में तो नहीं बिठा सकते, जो थोड़ा बहुत छोर सूखा है उसके अंदर बिठा सकते हैं। और ऊपर पन्नी डालने में दिक्कत यह है कि कलेक्टर महोदय के निर्देश हैं कि ऊपर पन्नी डाले जाए, तो ऊपर पन्नी डालने पर यहाँ पर उजड़ाना के जो लोग हैं असामाजिक तत्व वो चुरा के ले जाते हैं। ऊपर भी डाल के देखी लेकिन सक्सेस निश्चित रूप से बारिश के दिनों में छत टपकने के कॉमन प्रॉब्लम है। और इस संबंध में ये है कि हमारे जिले में कुल 2204 शालाएँ हैं जो कि जहाँ पर प्राइमरी मिडिल स्कूल संचालित हैं, और जिनमें से 421 शालाएँ ऐसे हैं जहाँ पर कि ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। इसका हमने पूरा इन्वेस्टिगेशन करा लिया है। इसमें ये है कि हमारे द्वारा वार्षिक कार्य योजना जो प्रस्तावित की जाती है राज्य शिक्षा केंद्र को, उसमें हमने 421 शालाओं में मरम्मत के लिए बजट। श्योपुर में जोरदार बारिश और पार्वती नदी में उफान है। श्योपुर को कोटा खतौली से जोड़ने वाला रपटा डूब चुका है। सुंडी गांव एक बार फिर से टापू बन चुका है और गांव में 300 के करीब लोग फंसे हुए हैं। श्योपुर का कोटा राजस्थान से संपर्क कट चुका है, अभी तक पुल भी नहीं बन पाया है। लोगों को इस साल भी परेशानी हो रही है। तो ये उफान पर नदियों की तस्वीर आप देख रहे हैं। नर्मदापुरम की तस्वीर आप देखिए, नर्मदापुरम में भी जोरदार बारिश हो रही है। पचमणी में बारिश का सिलसिला जारी है। पचमणी जटाशंकर महादेव मंदिर में पानी भर चुका है और श्योपुर से लेकर नर्मदापुरम तक देखिए यही सिलसिला है, पानी ही पानी हर तरफ। मंदिर मार्ग भी जल से भर चुका है।
तो ये झरना जो है वो मंदिर मार्ग तक पहुंच चुका है, महादेव मंदिर पानी से भर गया है। तो दूसरी तरफ श्योपुर में आप देख रहे हैं नदियां उफान पर है, कुछ गांव तो टापू में तब्दील हो चुके हैं और 300 से भी ज्यादा लोग गांव में अभी भी फंसे हुए हैं, जिन्हें धीरे धीरे जो रेस्क्यू कर बाहर निकाला जा रहा है। और अब एक नजर टॉप 20 खबरों की ओर।